प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते ही हैं, हम अपने 14वें पाठ अंगुलीमाल के आज हम शब्दार्थ और मुहावरों को करेंगे। इस पाठ में एक मुहावरा है आंखें खोलना और शेष सभी शब्दार्थ। तो शुरुआत करते हैं। पाठ के अनुसार मैं आपको जो शब्दार्थ हैं उनका अर्थ स्पष्ट कर दूं, समझा दूं। तो शब्दार्थ शब्दार्थ हैं पहला है पात्र। पहला जो शब्द है वो है पात्र। ये नाटक का अभिनेता, जैसा कि हमने आपको बताया था, इस नाटक में अंगुलीमाल जो एक नाटक था जिसका हमने मंचन किया था, इसमें पांच पात्र हैं: अंगुलीमाल, महात्मा बुद्ध, मुखिया और गांव के दो व्यक्ति। तो कुल मिलाकर पांच पात्र हैं। तो नाटक में के अभिनेता को पात्र कहते हैं। तो चौपाल है, गांव में उठने बैठने का स्थान जो ऊपर से ढका और चारों ओर से खुला। तो चौपाल वह स्थान होता है जहां ये गांव के लोग बैठ करके गांव के विकास के बारे में चर्चा करते हैं मुखिया से, या आपस में बात करते हैं। ये सार्वजनिक स्थान होता है। दूभर का अर्थ होता है मुश्किल या कठिन। तो जैसा कि पाठ में बताया भी गया है, अंगुलीमाल ने गांव वालों का जीना दूभर कर दिया था। दूभर का मतलब कठिन या मुश्किल कर दिया। क्रूर, निर्दय, जिसमें जरा भी दया ना हो। तो हमने नाटक में देखा कि जो अंगुलीमाल था वो बहुत क्रूर था। वे लोगों को लूटकर उनका गला काट देता था, उनकी हत्या कर देता था। उसे जरा भी दया नहीं आती थी। तो अंगुलीमाल क्रूर था, उसे दया नहीं आती थी। आगमन आना को कहा जाता है आसन बैठने की वस्तु। जैसे अब आपके घर में मेहमान आते हैं तो आप उन्हें सोफा या चेयर पे बिठाते हैं, कुर्सी पे बिठाते हैं, तो उसे ही आसन कहा जाता है, बैठने की वस्तु। आशीर्वाद, दुआ या आशीष, आप अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। चरण पैर को कहा जाता है। विशेष, आपको पता है ये खास चीज को विशेष कहा जाता है। और रात्रि, रात को, तो रात का पर्यायवाची में भी हमने इसे पढ़ा था, रात्रि, निशा, रात, ये था। अगला शब्द है विश्राम। विश्राम का अर्थ होता है आराम करना। भयभीत का अर्थ हुआ है डरे हुए। भयभीत का क्या अर्थ होता है? डरे हुए। उत्पात को उपद्रव, हलचल या अत्याचार भी कहा जाता है। भेंट करना का अर्थ होता है मिलना। निश्चिंत का अर्थ होता है बेफिक्र। अतिथि, मेहमान, जिसके आने की तिथि न हो। मेहमान कहा जाता है कि मेहमान कभी भी आ सकता है, उसकी आने की कोई दिन या समय निश्चित नहीं होती। तो जिसके आने की तिथि न हो वह अतिथि कहलाता है। असमंजस का अर्थ होता है कठिनाई में पड़ना। तो हमने देखा पाठ में अंगुलीमाल भी असमंजस में था, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने कहा था कि वे उनके मेहमान हैं और वे निडरता से बात कह रहे थे। तो इसीलिए अंगुलीमाल को असमंजस में था कि उसे कठिनाई हो रही थी, वो पहचान नहीं पा रहा था उसे। उसके बाद हिंसा का अर्थ होता है हानि पहुंचाना या कष्ट देना। कल्याण का अर्थ भलाई या मंगल भी होता है। इस पाठ का एक मुहावरा है आंखें खोलना। तो हम इस मुहावरे का वाक्य में भी प्रयोग आपको सिखाएंगे। तो आंखें खोलना, मुहावरा हमारा है आंखें खोलना। इसका अर्थ है ज्ञान देना या सावधान करना। ज्ञान देना या फिर हम
कह सकते हैं सावधान, करना, ज्ञान देना या सावधान करना कहलाता है। तो इसका हम वाक्य में भी प्रयोग कर सकते हैं। गुरु अपने शिष्य की आंखें खोलता है। आंखें खोलता है, गुरु अपने शिष्य की आंखें खोलता है, गुरु अपने शिष्य की आंखें खोलता है। आंखें खोलना का अर्थ होता है ज्ञान देना या सावधान करना। ये था मुहावरे का वाक्य में प्रयोग। हमारा अगला प्रश्न है मौखिक प्रश्न की बात में कह रहा हूं। मौखिक प्रश्न, जैसा कि आपको पता है, हम इसे मौखिक रूप से ही करते हैं। तो चर्चा करते हैं मौखिक प्रश्न का। हमने ऑनलाइन क्लास में भी चर्चा किया था मौखिक प्रश्न का। क गांव के लोगों का जीना दुभर क्यों हो गया था? आपको पता ही है, अंगुली माल ने उत्पात मचा रखा था, इस कारण से गांव के लोगों का जीना दुभर हो गया था। तो हम लिखेंगे गांव के लोगों का जीना दुभर हो गया था क्योंकि अंगुली माल ने उत्पात मचा रखा था। या इस तरह भी लिख सकते हैं, अंगुली माल ने उत्पात मचा रखा था इसलिए गांव के लोगों का जीना दूभर हो गया था। ख था डाकू का अंगुली माल नाम कैसे पड़ा? कहेंगे डाकू का नाम अंगुली माल पड़ा क्योंकि वह लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला पहनता था। या ये भी लिख सकते हैं, अंगुली माल लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला पहनता था इसलिए उसका नाम अंगुली माल पड़ा। ग महात्मा बुद्ध को देखकर अंगुली माल हैरान क्यों था? महात्मा बुद्ध को देखकर अंगुली माल हैरान था क्योंकि वह निडरता से उसकी तरफ चले आ रहे थे। या फिर हम इस तरह भी लिख सकते हैं, महात्मा बुद्ध निडर से यह देखकर अंगुली मार हैरान हो गया। महात्मा बुद्ध निडर थे इस कारण अंगुली मार हैरान हो गया। घ है महात्मा बुद्ध के उपदेश का अंगुली मार पर क्या प्रभाव पड़ा? तो हम जानते ही हैं, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने क्षमा मांगी और वे उनका शिष्य हो गया और जीवन भर शांति और अहिंसा के रास्ते पर चला। तो इसको हम छोटा करके कैसे लिखेंगे? महात्मा बुद्ध के उपदेश का अंगुली मार पर प्रभाव पड़ा, उसने हिंसा छोड़ दी और शांति के रास्ते पर चल पड़ा। हमारा दूसरा जो है मौखिक प्रश्न है बोलकर पढ़ो। क्रम क्रिया क्रीड़ा क्रूर कल्याण मूल्य तुल्य बाल्यकाल सत्य त्याग हत्या नृत्य। तो इसका बोलकर अभ्यास करना है। आज मैं अपने लिखित प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो लिखित प्रश्न है, किसने किससे क्यों कहा? किसने किससे क्यों कहा, इसको आज हम हल करते हैं। लिखित का पहला,
लिखित का पहला क भाग किसने किससे क्यों कहा इसकी तालिका ही मैं बना लेता हूं, इसको हल करना और भी आसान हो जाएगा। तो किसने कहा, किसने कहा, किससे कहा, क्यों कहा, तो हमारा जो पहला है क ख ग, तो कहेंगे किसने कहा, तो हम कहेंगे पहला वाक्य भी आप ध्यान से सुन लेते हैं। आप जंगल से होकर यात्रा न करें, ये मुखिया ने कहा था महात्मा बुद्ध को, क्योंकि अंगुलीमाल जो था अंगुलीमाल के डर से कहा था। तो लिखेंगे मुखिया ने कहा था, किससे कहा था, महात्मा बुद्ध, अंगुली माल के डर से। क्यों कहा था, अंगुली माल के डर से। दूसरा है हमारा प्रश्न ख, मूर्ख क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। दूसरा वाक्य है मूर्ख क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता, यह किसने कहा था, ये अंगुली माल ने कहा, अंगुली माल ने कहा था, किसे कहा था, महात्मा बुद्ध, क्यों कहा था, क्योंकि महात्मा बुद्ध निडर थे, महात्मा बुद्ध निडर थे, क्यों कहा था, क्योंकि वो निडर थे, उनसे मिलने आ रहे थे। तीसरा है क्या यह कैसे हो सकता, जब महात्मा बुद्ध ने वही जो चार पत्ते दोबारा शाखा में जोड़ने के लिए कहा, तो यह बात अंगुलीमाल ने कही थी। तो लिखेंगे यह कैसे हो सकता है, यह अंगुलीमाल ने कहा था, अंगुलीमाल ने कहा था, किससे कहा था, महात्मा बुद्ध से, क्यों कहा था, कि पत्ते दोबारा, क्योंकि पत्ते दोबारा नहीं जुड़ सकते, क्योंकि जो पत्ते दोबारा शाखा में नहीं जुड़ सकते,
नहीं जुड़, जुड़ सकते। तो इस तरह हम इसे साथ साथ लिखते जाएंगे, ये पाठ्यपुस्तक में ही करेंगे, इसको हमें पाठ्यपुस्तक में ही करना है। अब हम अपने लिखित प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं, ये भी बहुत आसान है। तो अपना हमारा अगला लिखित प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। महात्मा बुद्ध गांव में क्यों आए थे? वे रात्रि विश्राम के लिए आए थे, ये हमने कारण में पढ़ा था। तो हमारे प्रश्न उत्तर पे चलते हैं, इसे आप नोटबुक में करेंगे। अब लिखित के प्रश्न उत्तर पे हम लोग आ रहे हैं, लिखित के प्रश्न उत्तर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, तो आज हम लिखित के प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। लिखित के प्रश्न उत्तर और हमारा पहला प्रश्न है क, जरा प्रश्न देखो। महात्मा बुद्ध गांव में क्यों आए थे? महात्मा बुद्ध गांव में क्यों आए थे? महात्मा बुद्ध रात्रि विश्राम के लिए गांव में आए थे, हमें कारण बताना है। तो मैं उत्तर ही लिखूंगा, उत्तर क, महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध गांव में रात्रि विश्राम विश्राम के लिए आए थे। दूसरा है हमारा उत्तर, मुखिया ने महात्मा बुद्ध से क्या प्रार्थना की? उसने क्या प्रार्थना की थी? कि आप जंगल के रास्ते न जाए, ठीक है, क्योंकि उंगली मार जंगल में लोगों को पकड़कर मार देता है, यही था। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, उत्तर का, मुखिया ने महात्मा बुद्ध से जंगल के रास्ते न जाने की प्रार्थना की। तो यही लिखेंगे, ये संक्षेप में ही है, जंगल के रास्ते न जाने की प्रार्थना की। कारण क्या था? क्योंकि जंगल में उंगली मार रहता था, शायद महात्मा बुद्ध जो थे उन्हें ये बात नहीं पता थी, इस कारण से उन्होंने उनको हम कहेंगे सावधान किया था। तो दो और प्रश्न बचे हैं जिसे हम कल करेंगे। तो आज अब तक हमने क्या क्या कर रखा है, एक बार मैं उसको फिर से दोहरा देता हूँ। अभी हमने इस पाठ का सुलेख लेखन कर लिया, पाठ से संबंधित एक चित्र भी बना लिया, शब्दार्थ को हमने और मुहावरों को नोटबुक में लिखा है, मुहावरे का हमने वाक्य में भी प्रयोग आज आपको लिखवाया है, हमने लिखित प्रश्न मौखिक को तो चर्चा के द्वारा किया, लिखित का पहला भाग जो था किसने कहा, किससे कहा, क्यों कहा, ये हमने पाठ्य पुस्तक में कराया, और लिखित प्रश्न उत्तर हमने आज दो लिखवा दिए। तो कल हम इसके ग और घ दो और प्रश्न है लिखित, उनको करवाएंगे। तो बच्चों आज के लिए
बस इतना ही, शेष हम कल करेंगे।